नन्हे दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सारे लोग अच्छे हो। तो आज तो रविवार है और मैं आशा करती हूँ अभी तक तो आप लोग अच्छे से बिस्तर में सो भी गए हो, लेट भी गए हो और आंखें बंद भी कर चुके हो। तो अब आंखें अगर बंद कर चुके हो तो चलो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी रूपकथा की कहानी हम सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज जिस किताब से मैं ये रूपकथा की कहानी ली हूँ, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, उस किताब के नाम है गोल्पो आर गोल्पो और लेखिका हैं सुखलता राव। तो भाई गोल्पो आर गोल्पो, इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहानी और कहानी। तो ये जो किताब है बच्चों, ये किताब पब्लिश किए हैं मित्रों ओघोष पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने किया है इसको पब्लिश। और आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, पता है उस कहानी का नाम क्या है? कांपना सीखना है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। कांपना सीखना है, हर कोई चीज़ हम लोगों को सीखना पड़ता है, ऐसे ही क्या कांपना भी क्या बोलूँ, थिरकना भी क्या, इतना ही सहज काम है? एक बार सोच के तो देखो, कांप सकते हो क्या? हैं? तो चलो, एक आदमी था, उसका मतलब एक इंसान थे, उनका दो लड़का था। बड़ा लड़का, उसका नाम था हाड़ू और वो बहुत ही चलाक लड़का था, और जो छोटा लड़का था उसका नाम था कानू। कानू है ना, मतलब कान्हा का ही छोटा फॉर्म निकनेम। तो कानू, वो लड़का बहुत ही बुद्धू वाला लड़का था, बुद्धू था, इसीलिए घर का हर कोई काम काज बड़े लड़के को ही करना पड़ता था। लेकिन रात को अगर कहीं पर जाना पड़ता तो वो बहुत ही डर जाता था, और अगर भूतों की कहानी सुन लिया भाई तो वो कहता था, बाबा रे मैं तो डर के मारे कांप रहा हूँ भाई। तो ये सुन के छोटा जो लड़का है कानू, वो सोचता, अरे देखो तो सही है, ये कांपनी बोले तो कांपना क्या होता है, मुझे तो नहीं पता वो कैसा वो चीज़ है। एक दिन कानू अपने पिताजी को बुला के बोले कि देख, तू तो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी तू कोई काम काज नहीं सीखा है, इसके बाद तू खाना कैसे खाएगा, तेरा पेट कैसे बढ़ेगा, और तू अपने अपने बड़े भैया को देख, वो कितने सारे काम जानता है। तो कानू कहने लगा, मैं ना एक चीज़ सीखूंगा, मैंने निश्चय किया है। अच्छा, ये कांपना किसको कहते हैं बाबा? मुझे वो ही सीखना है, यही मेरी बहुत इच्छा है। तो पिताजी बोले, अरे इसके लिए चिंता क्या है, तू तो अपने आप ही सीख जाएगा, लेकिन उससे तो तेरा पेट नहीं भरेगा बेटा। तो उसके नेक्स्ट दिन ही, अगले दिन गुरुजी आए थे, तो कानू के पिताजी उनके सामने बोलने लगे कि कानू तो कुछ काम काज नहीं सीखा है, सिर्फ कहता रहता है मुझे कांपना सीखना है, कांपना सीखना है। तो ये बात सुन के गुरुजी बोले, ठीक है मेरे घर भेज दो, मैं उसे अच्छे तरीके से कैसे कांपते हैं ना वो सिखा दूंगा। तो कानू भी गुरुजी के साथ उनके घर चला गया। वहाँ पर उसका काम था, हर रोज़ मंदिर की जो सीढ़ी है ना, उसको अच्छे से झाड़ू लगा के साफ करके रखना। तो एक दिन बहुत ही गहरी रात हो चुकी थी, उस समय गुरुजी बोले, कानू तू क्या करेगा, कल बहुत ही सुबह सुबह मुझे पूजा करना है ना, तो तू अभी जाके मंदिर की जो सीढ़ी है वो झाड़ू लगा के साफ करके आ जा। तो कानू क्या किया, वो तो झाड़ू लेके ढा ढा करते हुए सीढ़ी को झाड़ू मारने चला गया, और उसका झाड़ू लगाना लगभग ख़त्म भी हो चुका था। तो ऐसे में अचानक से वो क्या दिखता है, सीढ़ी, मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, उसके सबसे वो जो ऊपर वाली सीढ़ी, वहाँ पर सफ़ेद क्या एक खड़ा हुआ है। वो सोचने लगा, शायद चोर है, नहीं तो इतने रात गए यहाँ पर क्या करने आया है। तो ये सोच के वो चीख के बोलने लगा, कौन है रे, हैं जल्दी भाग, नहीं तो एक धक्का लगा के मैं तुझे यहाँ से गिरा दूंगा। तो भाई वो जो सफ़ेद क्या था पता नहीं, लेकिन वो तो कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहा।
अब कानू भी वो तो दौड़ लगा के, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जब स्प्रिंट लोग लगाते हैं तो पीछे से, मतलब जहां पर उनको कूदना होता है वो थोड़े दूर पहले से वो दौड़ते हुए फिर कूदते हैं या फाड़ते हैं, तो भाई हमारा कानू भी बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की तरह पीछे से एक दौड़ लगा के इतने जोरों का वो धक्का दिया कि उस सीढ़ी से वो सफ़ेद वाला जो आकृति था वो तो लुढ़क लुढ़क के एकदम नीचे चला गया। और कान्हा भी, हमारे जो कानू हैं, वो भी बहुत खुश होके अपना झाड़ू कटका पूरा काम ख़त्म करके घर पे आके, मतलब अपने कमरे में आके खर्राटे लेते हुए सो गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह सारे लोग आके क्या देख रहे हैं कि मंदिर के जो सीढ़ी के नीचे है वहाँ पर गुरुजी सादा कपड़े लपेटे हुए गिरे पड़े हैं। ये देख के सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और व्यस्त होकर गुरुजी को पकड़ के लेके गए उनके घर। इसके बाद उनके शरीर का जो दर्द था वो ठीक होने के लिए ना बहुत दिन लगा था। तो ये सारे बातें सुन के कानू के पिताजी तो आग बबूला हो गए। वो कहने लगे, तू मेरे सामने से चला जा, ठीक है, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो और क्या करे भाई कानू, वो धीरे धीरे घर से निकल के चला गया। अब वो रास्ते से जा रहा था और कहते हुए जा रहा था, कांपना सीखना है, कांपना सीखना है। ऐसे करते जाते जाते वो दूसरे एक राजा के देश में पहुंच गया। सोचो वो तब कितना चला था। तो वहां पर एक दिन एक इंसान उसे बोला, अच्छा तुम कांपना सीखना चाहते हो, कैसे कांपना सीख सकता है कोई, वो मैं आपको बोल सकता हूँ। वो जो पहाड़ी दिख रहे हो ना, उसके ऊपर एक मकान है, वो ना भूतिया मकान है। वहाँ पर खूब सारे धन रत्न मणि माणिक है और बहुत सारे भूत वो सब धन संपत्ति पहरा देते हैं। तो हमारे जो राजा जी हैं ना, वो कहे हैं कि जो इंसान वहाँ पर एक रात बिता के आ सकेगा, उनके साथ ही वो अपने कन्या की शादी करवाएंगे। तो तुम अगर उस भूतिया मकान पे एक रात काट सकते हो तो तुम कांपना भी सीख जाओगे और साथ ही साथ राजा की राजकन्या के साथ, मतलब राजा की बेटी के साथ भी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो कानू तो तभी राजा जी के पास चला गया और जाके कहने लगा, राजा जी मैं ना एक रात उस भूतिया मकान में रहूँगा। तो सुन के राजा जी बोले, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो तुम तीन चीज़ें लेके जा सकते हो अपने साथ, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कानू, आग लगाने के लिए कुछ लकड़ी, एक बैठने के लिए चौकी और एक बड़ा सा छुड़ा, वो मांग लिया। तो राजा जी तभी के तभी बहुत सारा लकड़ी, एक चौकी और एक मस्त बड़ा सा छुड़ा भूतिया मकान में भेज दिए। अब शाम होते ना होते ही कानू अकेले अकेले वहाँ पर पहुँच गया। तब तो ठंड की मौसम थी भाई, तो इसीलिए वो उस लकड़ियों से आग जला के छुरा को अपने हाथ में लेके वो चौकी के ऊपर बैठ गया। बहुत देर तक वो बैठने के बाद उसको लगा कि चारों तरफ से थोड़ा एक शोरगोल मच रहा है भाई। तो और कोई ना एकदम वो, मतलब वो नाक से आवाज़ निकलने वाला वैसा वाला आवाज़ में कोई कह रहा है, कोई नहीं, कुछ लोग जिनको वो देख नहीं पा रहा था कि वो लोग कह रहे हैं, बहुत ठंड है। तो कानू तो तब चीख के बोलने लगा, अरे तुम लोग तो बहुत बुद्धू हो, अरे दूर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बहुत ठंड है, ये क्यों कर रहा है, अगर ठंड लग रहा है तो आके सामने आके बैठना। तो जहाँ तक बोला, देखो तो बच्चों ये है तस्वीर हमारा कानू, देखो चौकी के ऊपर बगल में छुरा लेके बैठा हुआ है और वो जो सारे बोल रहे थे ना, बहुत ठंड है। तो जहाँ तक हमारे कानू ने उनको परमिशन दी, तो तुरंत चारों तरफ से धोप धाप करते हुए बड़े बड़े काले काले कुत्ते और बिल्ली टपक के आने लगे। देखो तस्वीर में है ना, है ना। तो
और वो सारे भूत थे, पता है, उनके सबके आँख लाल लाल और जैसे लग रहा था कि वो सारे जल रहे हैं, और उनके सबके जो जीव है वो एकदम निकला पड़ा था। अब वो लोग आके कानू को घेर के आके चारों तरफ बैठ गए और फिर उनके कानू के तरफ देखते हुए ऐसे सांस फेंकते रहे। तो भाई कानू इसे थोड़ा सा भी उसे डर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वो सारे भूत उसको बोले, आओ ना हम लोग खेलते हैं। तो कानू बोला, पहले तुम अपने अपने नाखून दिखाओ। तो भाई तो वो सारे लोग अपने काले काले जो क्या बोलूँ थाबा बोले तो पंजा, अपने पंजा आगे दिखा दी। और कानू क्या देखता है, हर एक के पंजे में बाघ के शेर के नाखून जैसा नाखून है, समझो। तो ये देख के कानू बोले, अरे 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 तुम लोगों का जो नाखून है अरे इतने बड़े हैं भाई, अगर मैं खेलने जाऊंगा तो और तुम लोग अगर ऐसे ही मतलब खेलते हुए अगर हाथ पैर मार दो तो भाई मुझे तो चोट लग जाएगी। तो ठीक है कोई बात नहीं, पहले आओ मैं तुम लोगों के सबका नाखून काट देता हूँ। ये बोल के हमारे कानू जी क्या किए पता है, अपने पास जो छुरा था उस छुरे को लेकर वो उन सारे कुत्ते बिल्लियों के नाखून काटने की कोशिश करने लगा। जहाँ तक वो आगे बढ़ा तभी क्या हुआ, कुत्ते बिल्ली सारे वैनिश। लेकिन इससे कानू को कोई डर नहीं लगा, वो सोचने लगा ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो वो उस कमरे के ही एक कोने पे एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा पलंग था जिसमें बहुत सुंदर से वो सजाया हुआ था वो बिछाना, तो मतलब वो पलंग। तो कानू क्या किया, उसको देख के उसको इतना अच्छा लगा कि वो उसी बिस्तर पे जाके सो गया। अब थोड़ी ही देर में उसका आँख बुझने लगा था और तभी के तभी अचानक से उसको लगा कि वो जो पलंग है ना वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो देखते ही देखते वो पूरा जो बिस्तर है, बोले तो वो पलंग है, वो ठक ठक करके हिलने लग गया। भाई ठीक है हैं, फिर तो वो जो हम लोग जो स्विंग होता है ना, स्विंग को हम लोग हिंदी में बांग्ला में तो हम लोग नागौर दोला बोलते हैं, मतलब दोला दोलना कहते हैं। दोलना को आप लोग क्या कहोगे, मेरी को राउंड नहीं, जैसे पालना होता है ना, झूला झूला, हाँ ठीक है। तो तब वो लोग क्या कि थोड़ी देर में तो वो जो पलंग है ना वो झूले की तरह झूलने लग गया, और फिर तो वो थोड़ी देर में तो वो कूदना ही शुरू कर दिया। लेकिन कानू तब भी नहीं उठा बिस्तर से, वो बिस्तर को कस के पकड़ा हुआ था और लेटा हुआ था। अब तो ये कूदते फादते आखिर में वो जो पूरा पलंग है ना वो दौड़ना शुरू कर दिया, और सीढ़ी से नीचे आके वो बोलो सीढ़ी से दलान में बोले तो रॉक में, सीढ़ी से रॉक में आके पहुंच गया। फिर थोड़ा सा वो स्ट्रॉस रखे हुए थे, कुछ सब फसल का कुछ रखा हुआ था, उसके अंदर से पूरा घर का मतलब पूरे मकान का परिक्रमा करके खटखट घटघट घटघट हर हर घड़घड़ ऐसे सारे क्या क्या अजीबो अजीबो शब्द निकालते हुए पूरा कान का तो पूरा 12 बोलो 14 बोलो जितना भी बजा डाला। और लेकिन तब भी हमारे जो कानू हैं वो तो पलंग को छोड़ा ही नहीं, वो लेटा ही रहा। अब अचानक से वो पलंग उलट गया तो सारे बिस्तर वगैरह लेके बिस्तर पिलो ये सारे लेके कानू तो हुड़मुड़ करके मिट्टी के ऊपर गिर गया, और गिरने के बाद वो थोड़ी देर में ही चुप करके उठ के खड़ा हो गया। अब वो धीरे धीरे सोचने लगा, अब तो सोच ही लो भाई, नींद तो होने से रही है, चलो आग के सामने जाके बैठ जाऊं।
लेकिन वहाँ पर जहाँ तक हमारे कान्हू जी पहुँचे तो वो क्या देखता है कि वो उस चौकी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा सा दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। कान्हू उसको कहने लगा, अरे ये मेरा चौकी है, तुम यहाँ पर क्यों, उठो तुम यहाँ से, मुझे बैठने दो। तो वो दाढ़ी वाला इंसान कहने लगा, मतलब वो दाढ़ी बाबा कहने लगा, हैं तेरा चौकी, दिखा तो सही तेरे शरीर में कितना दम है, मुझे अगर चौकी से उठा सकता है तब देखूं, तब मानूं। जहाँ तक ये बोला, हमारा कान्हा पता है ना वो कैसे धक्का मारता है, ठीक वैसे ही दौड़ के उस दाढ़ी बाबा को एक धक्का लगा के ही चौकी से गिरा दिया। तो फिर दोनों में तो कुश्ती लग गई, पता है वो लोग कुश्ती खेलना शुरू कर दिए। बहुत देर तक कुश्ती होने के बाद वो दाढ़ी बाबा कहने लगा, अरे अरे और नहीं भाई और नहीं, बस बस बस, तेरे शरीर में बहुत दम है भाई और तू बहुत ही साहसी भी है, मैं इस भूतों का ना सरदार हूँ और यहाँ पर जितने सारे पैसे धन मनी माणिक है, इतने दिनों से हम लोग इस सबका पहरा दे रहे थे, अब वो सारे जो धन रत्न है वो सारे तेरा हुआ। ये बोल के कान्हू को वो दाढ़ी बाबा एक मकान, मतलब एक कमरे में लेके गए, उस मकान के एक कमरे में लेके गए। और वहाँ पर हमारा कान्हू क्या देखा पता है, खूब सारे ढेर सारे सोने चांदी मनी माणिक मोती, एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम आंखों को चौंधिया रहा है, इतना वो लोग रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह होते ही हमारे जो राजा जी हैं वो बहुत सारे लोग लश्कर लेकर उस भूतिया मकान पे पहुंच गए। अब वो लोग सोचे थे कि शायद कान्हू तो बच नहीं सकता है, शायद वो मर गया है, लेकिन वहाँ पर जाके क्या देख रहे हैं, हमारा कान्हू क्या कर रहा है पता है, वो तो खड़ाते लेखते हुए सो रहा था। ये देख के राजा जी तो बहुत ही आश्चर्य में आ गए, वो कान्हू से सारे बातें पूछे और सुनने के बाद सारे बातें वो बहुत ही खुश हो गए और फिर उसको बहुत लाड प्यार से अपने घर लाके धूमधाम से अपने लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। अब राजा के घर पे कान्हू तो बहुत ही महासुख से था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक दुख रह गया था, वो था कांपना, वो नहीं सीख पाया ये बात। तो रात को जब वो सोता था तो तब भी सोते सोते भी कभी कभी कान्हू कहता रहता, हाँ यार ये कांपना नहीं सीख पाया मैं, कांपना सीखना होगा। ये बात सुनकर एक दिन राजकन्या क्या की पता है, वो अपने दासी को बोली, तू ना नदी से छोटे छोटे मछली पकड़ के लेके आ और लाके उसको एक कलश में जिसमें ठंडे पानी है उसमें रख छोड़ दे। तो अब वो तो ठंड का मौसम था है ना, तो रात को जब कान्हू सो गया था तो तब वो मछली से भरपूर ठंडे पानी का जो कलश है ना वो लेकर राजा की मतलब राजकन्या क्या की पता है उसके ऊपर डाल दिए, और उस ठंडे पानी के साथ साथ वो छोटे छोटे मछली जब फुदकने लगे उसके ऊपर ही, तो ऐसा ठंड लगा और ऐसा कांपना वो शुरू किया कि भाई कांपना कहते किसे है, वो तो हड़बड़ी में कूद के उठ गया और सिर्फ कहने लगा और कहने लगा, ऐसे ही कांपता रहा और कहने लगा, अरे अरे ये क्या है, यही शायद कांपता है। उसके बाद वो बहुत खुश हुआ और वो ताली बजाते हुए कहने लगा, नाचते हुए कहने लगा, कांपना सीख गया मैं। तो दोस्तों, नन्हे दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही समाप्त होती है, लेकिन आज इस कहानी से हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को पता तो बहुत बहुत बेसिक दो प्रिंसिपल पता चला। एक, अगर आप ऑनेस्टी से विदाउट एनी इंटेंशन टू
हार्म एनीवन, मतलब दूसरों की नुकसान करना है ये मनसा ना लेकर अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत सारे परीक्षाओं की अरेंजमेंट तो करेंगी, लेकिन आप उसमें सफल होंगे। देखो जैसे कानू सफल हुआ, लेकिन इसके साथ साथ और एक भी बात है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो बच्चों, विद्या ऐसी एक चीज़ है, एक जगह पे अगर आप बहुत ऑनेस्टी के साथ कोई चीज़ की अध्ययन या उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चों वही विद्या आपको सफल होने के आशीर्वाद से नवाजता है। तो दोस्तों आज इसी शुभचिंता के साथ मैं तो यहाँ पर इस स्टोरी को यहाँ मतलब ये स्टोरी पूरा हो गया, तो आज की धूप कथा की जो सेगमेंट है वो यहाँ पर ही समाप्त होती है, लेकिन थोड़ी देर में मैं फिर से वापस आ रही हूँ फोक टेल्स ऑफ बंगाल लेके। तो तब तक के लिए फुदकते रहो, नहीं नहीं अभी रात है बच्चों, सोने की तैयारी हो गई ना, आग बंद करके नींद के देश में जाने के लिए तैयार हो जाओ और रूप कथा की कहानी के रथ पे सवार होके उसी देश में पहुंच जाओ। तो चलो मिलते हैं, टाटा।